आज यानी कि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। आज जिनीवा से जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट आई है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि जो टोबैको है वो सिर्फ किसी कंट्री को हिट नहीं करता बल्कि पूरी नेशन को एक थ्रेट है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता हैं, जो HOD हैं, चेस्ट डिसीज हॉस्पिटल जम्मू बख्शीनगर में। हम उनसे बात करेंगे कि जम्मू में क्या स्टेटस है टोबैको का और किस तरह से वो रोज़ डील करते हैं इस डिज़ीज़ से और जो मरीज़ आते हैं। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे और उसके अलावा क्या क्या आपके पास आप डेली जो पेशेंट्स आते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, टोबैको किसी भी तरीके से आप लेते हैं, क्या आप स्मोक करते हैं, उसको च्यू करते हैं या खाते हैं, तो उसके नुकसान रहते हैं और उसके नुकसान हमारे गले से ले कर यूरिनरी ब्लैडर तक कहीं पर भी हो सकते हैं। तो तंबाकू की वजह से ओरल कैंसर होना, छाती में लंग कैंसर होना, स्टमक कैंसर होना, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होना, कहीं पे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास दमे के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनको तंबाकू का सेवन करते हैं उससे दमा हो जाता है, जिसे दमसा भी कहते हैं हम। उसके बाद TB, रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको TB होने के चांसेस 25-30% ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप एक बार TB आपको हो गई है और अगर फिर भी आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो इसके 50% और ज़्यादा रिस्क फैक्टर रिस्क हो जाता है कि आपको फिर से TB हो सकती है। तो इसीलिए ये तंबाकू का सेवन किसी भी तरीके से किया जाए, इसको बंद करना बैन होना चाहिए बिल्कुल। आज नो टोबैको डे है, मेरा यही मैसेज रहेगा, क्विट टोबैको एंड लिव हेल्दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि WHO की रिपोर्ट में ये भी आया है कि हर साल 7 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं तंबाकू के सेवन से जो है जिनकी डेथ होती है। हमारे इंडिया की भी बात करें तो 64% जो है जो गरीब लोग हैं ज़्यादातर जो है बीड़ी का सेवन करते हैं, जिससे कि जो है ये जो डिज़ीज़ है वो बहुत बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह से जम्मू में भी बीड़ी का सेवन ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग जो है गरीब लोग ज़्यादातर टारगेट होते हैं इन चीज़ों के और धड़ल्ले से जो है मार्केट में बिकता है, तो कितना जो है अफेक्ट करता है लोगों को? ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें तंबाकू की वजह से हमारे पास बहुत से पेशेंट आ रहे हैं जो तो बीड़ी पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, तो उनको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो इसका करना पड़ेगा, आपको बंद कराना पड़ेगा। सर, एक कोई मैसेज देना चाहेंगे आप आज के दिन पे? मैसेज यही है कि क्विट टोबैको एंड लिव कम्फर्टेबली, यही टोबैको को क्विट करना है। अगर आप अपने ज़िंदगी को आराम से गुजारना चाहते हैं तो आपको तंबाकू किसी भी तरीके से आप लेते हो उसको बंद करें। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब ने आज जो है हमें वर्ल्ड टोबैको डे पे बताया किस तरह से वो रोज़ जो है टोबैको को लेकर जो है मरीज़ यहाँ पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जैसे कि अभी रिसेंटली GST मीटिंग में भी जो है काफ़ी सारी हमारी हेल्थ बॉडीज़ ने जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये कहा कि तंबाकू के ऊपर जो है टैक्सेशन बढ़ाई जाए। अगर टैक्सेशन अगर डबल की जाती है तो काफ़ी लोग जो है तंबाकू का सेवन कम करेंगे और बच सकते हैं। WHO की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये एक बहुत बड़ी मेजर थ्रेट है जिसको लेकर जो है हर एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आज वर्ल्ड टोबैको डे जो है नो टोबैको डे मनाया जा रहा है, सब लोगों को यही चाहिए कि आज के दिन प्रण करें कि वो तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। आशीष कोहली कैमरामैन संदीप सिंह के साथ यू फॉर यू वॉइस के लिए।